हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चेतावनी दी है कि किसी को भी माहौल खराब करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। धर्म के नाम पर जो लोग हाथ पैर और गर्दन काटने की बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मेवात के जिस व्यक्ति ने ऐसा बयान दिया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नुपुर शर्मा पर पूछे सवाल पर अनिल विज ने कहा कि वे किसी के साथ नहीं, वे कानून के साथ हैं। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर अनिल विज ने कहा कि वे इसको लेकर पूरे प्रदेश की मैपिंग करा रहे हैं और प्राथमिकता के आधार पर उन स्थानों पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी जहां पर जरूरत है। नहीं तो सरकार पूरी कार्रवाई कर रही है। मेवात में जिसने नुपुर शर्मा की जबान काट कर लाने और 2 करोड़ रुपया देने की बात कही गई थी उसको आज हमने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि हम किसी को भी देश की शांति भंग करने की इजाज़त नहीं दे सकते। आप सर नूपुर शर्मा के समर्थन में हो या नहीं? हम कानून के समर्थन नहीं, हमने हर जिले में साइबर थाने खोल दिए। हमें पता है कि साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, इसलिए साइबर के लिए पूरी तरह से हम आईटी प्रोफेशनल्स भी भर्ती करने जा रहे हैं ताकि इसके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सके। नहीं बिल्कुल, उनके अपॉइंटमेंट लेटर 1-2 दिन में आने वाले हैं, उनकी सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और 1-2 दिन में उनके अपॉइंटमेंट लेटर आने वाले हैं। अच्छा, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ करेंगे? उसके लिए मैं सारे हरियाणा की मैपिंग करवा रहा हूँ। हम टेंडर फ्लोट कर चुके हैं, एजेंसी मैपिंग करेगी कि कितने लोगों के ऊपर कहां कहां पर किस स्तर की फैसिलिटी चाहिए, कहां पीएससी चाहिए, कहां सीएससी चाहिए, कहां 100 बेड का अस्पताल चाहिए, कहां 500 बेड का अस्पताल चाहिए। अभी तक तो ये डिमांड बेस्ड हुआ सब कुछ, जहां पर लोगों ने ज़्यादा शोर डाला उन्होंने बनवा लिया, लेकिन हम नीड बेस्ड बनाना चाहते हैं कि जहाँ ज़रूरत है उसके मुताबिक जो फैसिलिटी वो की आवश्यकता होगी वो हम बनाएंगे। और ऐसा देश में पहली